हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो V25 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्क्रीन कैप्चर टोन सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्क्रीन कैप्चर टोन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, साउंड एंड वाइब्रेशन पर सिलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन कैप्चर टोन का। स्क्रीन कैप्चर टोन इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको टैप करना है। तो ये बटन आपका जो है ब्लैक कलर में ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपकी स्क्रीन कैप्चर टोन सेटिंग इस तरीके से डिसेबल हो जाएगी। अभी स्क्रीन कैप्चर टोन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन पर स्क्रीन शॉट लेंगे ना, तो आपके मोबाइल फ़ोन से कोई भी साउंड की आवाज़ नहीं आएगी। स्क्रीन शॉट लेने पर आपके फ़ोन से साउंड की आवाज़ नहीं आएगी। ये देखिए, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी साउंड की आवाज़ नहीं आई है, तो ये सेटिंग जो है ना डिसेबल करने के बाद इस तरीके से काम करेगी। अब मैं आपको ये स्क्रीन कैप्चर टोन सेटिंग को है ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज है ना, इस सेटिंग पेज को आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर सेटिंग पेज को फिर से ओपन करते हैं। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन का, इसे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है, स्क्रीन कैप्चर टोन, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन हो जाएगा स्क्रीन कैप्चर टोन का, इस तरीके से। यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सबसे ऊपर ये सर्च बार में सेटिंग का नेम टाइप करेंगे, तो यहां पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड इस तरीके से ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड शो हो जाता है, तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।